हेलो व्यूवर्स so कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ जिसमें आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम एक्सेल पर वर्क करते हैं यानी कि हम माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल पर वर्क करते हैं तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो हम लैक कर जाते हैं यानी कि हमें पता नहीं होता है कि वो कैसे परफॉर्म होने हैं तो ये वीडियो उन सभी बिगनेस के लिए है जो एम एस पर वर्क करना चाहते हैं या एम एस पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं दो इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँगा पहला पॉइंट तो ये है कि अगर जब भी आप एम एस एक्सएल में अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं और आपको वहाँ पर नंबरिंग डालनी है सपोज़ मैंने डाला वन टू थ्री और आपके पास ऐसे ट्वेंटी रिकॉर्ड्स हैं तो ट्वेंटी रिकॉर्ड्स के लिए आप क्या करेंगे आप यहाँ पर टाइप करेंगे फोर फाइव तो आपको ऐसे नंबर वाइज़ मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है आप सिंपली क्या करें पहले तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये सब पॉइंट्स मैं डिलीट कर देता हूँ फाइव फोर थ्री बस आपको क्या करना है दो कपल कपल्स ऑफ टाइम लाइक ऐसे मैंने आपको बताया है कि वन टू तो आपको नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पर एक प्लस साइन बन के आ रहा है और उसको सिंपली ड्रैग कर देना है नीचे तक तो जैसे आप जितना ड्रैग करेंगे उतनी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर्स तो यहाँ पर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन नंबरिंग काउंट होती जा रही है अगर मुझे ट्वेंटी रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो इस तरीके से मैं नंबरिंग डिफ़ाइन कर सकता हूँ अब ये नंबरिंग डिफ़ाइन करने के बाद ऑब्वियस बात है कि हमें जो एम एस एक्सएल के अंदर जो डेटा है वो टेबुलेशन फॉर्म में मैक्सिमम टाइम चाहिए होता है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्रेस कर दिया है और शिफ्ट प्रेस करके मुझे जितने एरियाज में एरियाज़ टे, में टेबल चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पर मैं ऑप्शन है बॉर्डर का बॉर्डर पे मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे नंबर्स के साथ बॉर्डर वाइज एक टेबल बन जाएगी तो जिसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर एक अच्छा डेटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन टे इन एम एस अब ये तो है बात टेबल की अब टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी होती हैं लाइक like हमें कुछ नंबर्स का सम करना है जैसे कि तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एंटिटी वन यानी कि जो सेल का एड्रेस है वो है सी थ्री यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर डाला है ट्वेंटी थ्री और एक सेल का एड्रेस है सी फोर यहाँ पर मैंने डाला है ट्वेल्व मैं चाहता हूँ कि सी थ्री एंड सी फोर का सम मुझे सी फाइव में दिखाई दे तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट प्रेस करके मैं डाउन एरो से इसको नीचे तक लेके जाऊँगा जहाँ पर मुझे सम चाहिए अब सम के बाद मैं यहाँ पर करूँगा समेशन जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्लिक करके सम कर दूंगा तो सम करने से ये टोटल क्या आ गया मेरा 35 इसको मैं फिर बोल्ड के साथ या फोन साइज इंक्रीज करने के साथ साथ मैं समेसन को यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ और सम लिख सकता हूँ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको एम एस के अंदर इन शॉर्टकट वे कैसे नंबरिंग करनी है कैसे बुलेट लानी है या कैसे आपको सम करना है तो मैंने इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी है ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा सो so, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें और अपने सर्किल में आप इसको शेयर ज़रूर करें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो